मिस्टर रवि पटेल ने एक क्वेश्चन कहा है, सर प्लीज टेल मी अबाउट स्विच बिल ऑफ लेडिंग। स्विच बिल ऑफ लेडिंग के अंतर्गत ऐसा होता है कि अगर आप किसी को माल सेल कर रहे हैं और अगर आप जिससे माल लिए हुए हो आप किसी और से शिपमेंट करवाई हो उस पर्टिकुलर पार्टी को, तो आप चाहते हैं कि जिससे माल लिया और जिसको बेच रहे हो तो जिसको बेचा है उसको ये ना पता चले कि आपने किससे खरीदा। सिमिलरली जिससे लिया उसको भी ये ना पता चले कि आप लोगों ने किसको बेचा, तो इसके अंतर्गत स्विच बिल ऑफ लेडिंग होती है। तो बिल ऑफ लेडिंग जो जिससे आपने माल खरीदा वो जब बेचता है तो कंसाइनी में आपका नाम डालता है, तो वो जो नाम है आप बिल ऑफ लेडिंग जो इस प्रकार की आपके पास आई वो अगर आप वही की वही बिल ऑफ लेडिंग आपने जिसको बेची है उसको भेजोगे तो उसके अंतर्गत ये बिल ऑफ लेडिंग में उन जो उसने सप्लाई किया था आपको उसका नाम भी दर्शाया जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि ये शिपिंग जो बिल ऑफ लेडिंग थी आप उस शिपिंग लाइन के पास ले जाते हैं जिस की जो ये बिल ऑफ लेडिंग है उसके पास, और उसको कहते हैं जिसमें सप्लायर का नाम है जिससे आपने खरीदा था उसके ऊपर आपका नाम डाला जाए सेकंड बिल ऑफ लेडिंग में। स्विच करके मतलब जहाँ पे सप्लायर था वहाँ पे वो बायर हो जाएगा और जहाँ पे बायर था वो नया बायर का नाम वहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो जो बिल आपके पास आई थी जिसमें सेलर का नाम बाहर वाले का था वहाँ पे आप अभी अपना नाम डलवाते हो और जिसको आपने बेचा था उस कॉलम के अंदर आप उसका नाम डालते हो, तो अगर वो बिल स्विच हो गई तो अभी उस पर्टिकुलर जहाँ जिस को माल बेचा था तो उसको नहीं पता चलेगा कि रियल एक्सपोर्टर या रियल सेलर कौन था। ये जो स्विच बिल है वो दो ट्रांजिशनों के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से काम आती है। एक तो बैक टू बैक एलसी, आपके पास किसी बाहर से किसी ने एलसी भेजी है वो आपने वो सरेंडर करके दूसरी एलसी किसी से खुलवाई है और किसी और कंट्री से या किसी और बाहर से सप्लायर से आपने उसको ख़रीदा है, तो आप उसको कहते हैं कि उसके अंतर्गत आप अपना नाम डालिए एज अ सेलर और मेरा नाम एज अ बायर डालिए। सिमिलरली मर्चेंटिंग ट्रेड में भी अगर बाहर की कंट्री से वो पर्टिकुलर माल आप किसी से ख़रीदा है तो आप उसको कहते हैं कि सप्लायर में आपका नाम डालिए बायर में मेरा नाम डालिए। और इन दोनों ट्रांजेक्शनों के अंदर वो जो बिल ऑफ लेडिंग जब आपको दी जाती है तो वो बिल ऑफ लेडिंग वापस जाके आप शिपिंग कंपनी को या उसके एजेंट को सबमिट करते हो, सरेंडर करते हो और उनको ये कहते हैं कि ये स्विच को स्विच करके दीजिए। मतलब जहाँ पर वो सप्लायर जो बाहर का था तो वहाँ पर आपका नाम यहाँ पर आएगा और जिसको माल आप बेचने जा रहे हो उसमें बाहर का नाम उनका आएगा। तो ये है एक्चुअली स्विच बिल का। तो स्विच बिल का एक्चुअल जो फ़ायदा है वो ये है कि जो बीच वाला जो है मतलब आदमी जो जो ट्रेड कर रहा है वो ये नहीं डिक्लेयर करना चाहता है कि बायर को पता चले मैं किसको सेल कर रहा हूँ और जिसको सेल कर रहा हूँ तो उसको ना पता चले मैंने इसको किसे बाय किया था। तो ये जो स्विच बिल ऑफ लेडिंग जब करवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 शिपिंग कंपनी आपको चार्ज करती है। तो आई होप कि आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली।